नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में कोरोना वायरस के चलते गणपति महाउत्सव पर खुलकर जश्न नहीं मनाया जा सका। सड़कों पर ना तो नगाड़ों की गूंज सुनाई दी और ना ही समुद्र के किनारों पर बप्पा की विशाल मूर्तियों के साथ जनसैलाब दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गणपति के भक्त उन्हें जोर शोर से विदाई नहीं दे पाए। विसर्जन के लिए गणपति की मूर्ति ले जाते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भक्त करते दिखे। सभी ने बाबा से कोरोना वायरस से भी मुक्त दिलाने की मन्नत मांगी। शायद ही ऐसा कोई गणपति पंडाल हो जिसने गणपति बप्पा से कोरोना वायरस के निजात दिलाने की मन्नत न मांगी। गणपति विसर्जन के साथ ही गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में संपन्न हो गया है। महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते गणपति महोत्सव पर खुलकर जश्न नहीं मनाया जा सका। सड़कों पर ना तो नगाड़ों की गूंज सुनाई दी और ना ही समुद्र के किनारों पर बप्पा की विशाल मूर्तियों के साथ जन सैलाब दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गणपति के भक्त उन्हें जोर शोर से विदाई नहीं दे पाए। मुंबई में लोगों ने छोटे छोटे आर्टिफिशियल तालाबों में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया और उनसे कोरोना के इस संकट काल को समाप्त करने की प्रार्थना की। विसर्जन के लिए गणपति की मूर्ति ले जाते लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। जबकि अनंत चतुर्दशी पर हर साल लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर जश्न मनाया करती थी, गणपति बप्पा के जयकारों के साथ प्रतिमाओं को विसर्जन किया गया। बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की कामना की सभी ने। बाबा से कोरोना वायरस से भी मुक्ति दिलाने की मन्नत मांगी। गणपति विसर्जन के साथ गणेशोत्सव संपन्न हो गया। मंगलवार को 10 दिन के गणपति बप्पा की विदाई दी गई। विसर्जन के दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए बीएमसी ने तैयारी पूरी कर ली थी। मुंबई में कुल 443 विसर्जन स्थल बनाए गए हैं, जबकि 23,000 बीएमसी कर्मचारी विसर्जन के लिए तैनात किए गए हैं। कोरोना संकट के कारण पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष सार्वजनिक व घरगुती गणेश प्रतिमाओं की स्थापना काफी कम हुई है। सिकरों से विसर्जन के लिए गणपति की मूर्ति ले जाते लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोलीवाड़ा आमदार कैप्टन तमिल सेल्वम के गणपति पंडाल में जाकर दर्शन किए। कैप्टन तमिल सेल्वम ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया। के मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आमदार कैप्टन तमिल सेल्वम के गणेश पंडाल में जाकर दर्शन किए और बप्पा से आशीर्वाद मांगते हुए कोरोना से निजात दिलाने की मांग की। ओम देवाय नमः, ओम महागणपते नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम गणेशराय नमः, ओम स्कंदाग्रजाय नमः, ओम अभयाय नमः। सर्वाहा स्वस्तिन पूषा विश्ववेताः स्वस्ति नो अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम मी अनंत चतुर्दशीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। श्री गणरायांचं आज विसर्जन होणार आहे आणि श्री गणराय जेव्हा येतात तेव्हा आशीर्वाद आपल्या सर्वांना देऊन जातात आणि जेव्हा त्यांचं विसर्जन होतं त्यावेळी सर्व अरिष्ठांचं विसर्जन त्यांच्यासोबत होतं आणि ते सर्व अरिष्ट आपल्यापासून दूर घेऊन जातात। त्यामुळे श्री गणरायाच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे की त्यांच्या विसर्जनाच्या सोबत कोरोनासारख्या महामारीचं विसर्जन व्हावं आणि सर्वांना आरोग्य लाभ व्हावा अशा प्रकारचे आशीर्वाद आम्ही श्री गणेशाला या ठिकाणी मागितले। इस अवसर पर तमिल सेल्वन ने खा कोरोना से निजात मिले और देवेंद्र फडणवीस फिर जल्दी
मुख्यमंत्री बने। वन्य सिंदूर मता की बाळा तेतुनिया जल निर्मल वाहे झुळझुळा जय देव जय देव जय शिव करावो स्वामी शंकरा आरतीओ वाळू भावारतीओ। कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा कोरोना से निजात मिली और साथ ही देवेंद्र फडणवीस फिर से जल्दी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पहले मैं यही करना चाहता हूँ, गरीब के लिए काम करने वाला छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, माजी मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ पर आके गया, हम लोग पूरा साइंस कोलीवाड़ा कार्यकर्ता का तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसा माजी मुख्यमंत्री है तो ऐसा महाराष्ट्र में पहले भी नहीं था, आगे भी यही मुख्यमंत्री आएगा तभी तो काम होगा, वो आया हम लोग बहुत बहुत खुशी है, पहले बात यही है। दूसरा हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का बाकी जो विषय है, बाबा को यही मन्नत मानता है ये कोरोना जल्दी जल्दी भगवान का आशीर्वाद से यहाँ पर भगा सकता है, सरकार का आशीर्वाद से सरकार का काम से नहीं जा सकता है, भगवान का ऊपर भरोसा में सब जनता बैठा है, वो भगवान पूरा करेंगे। गणपति बापा का मैं यही मन्नत डेली आरती में यही मन्नत मानता हूँ, सबका हेल्थ अच्छा करो, उनका घर पे अच्छा संदेश आ जाओ, यही मैं आज के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आमदार का नाते सबका तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ, तो अच्छा हो जाओ, सब घर पे अच्छा संदेश आ जाओ, उनका हेल्थ सुधरे, उनका बच्चों का अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा सरकार वापस आ जाओ, माजी मुख्यमंत्री साहब वापस मुख्यमंत्री बनो, ये महाराष्ट्र का सेवा पहले कैसा किया ऐसा करो। पनिवर वंदना सरल सुंड वक्र तुंड श्री नयना दास रामाचा वाटपा हे सदना शंकस्ती पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लवलवते विकराळा ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सिंदूर मस्तकी बाळा तेथून आजळ निर्मळ वाहे झुळझुळा जय देव जय देव जय शिव करावो स्वामी शंकरा आरतीओ वाळू भावारतीओ। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद नमस्कार।